पिछले लेसन्स में हमने डोमेन की रजिस्ट्रेशन, डीएनएस का सेटअप और वेब होस्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन सीखी। अब हम फाइनली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए आप अपने रन क्लाउड के डैशबोर्ड में वेब एप्लीकेशन पे आइए, क्रिएट न्यू वेब ऐप पे क्लिक कीजिए। यहाँ मैं बताता चलूँ कि अगर आप कोई और वेब होस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका ये प्रोसेस मुख्तलिफ होगा। उसके लिए आप उस वेब होस्ट की सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं जो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके भी दे सकती है, या फिर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में सीख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोवाइडर पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ वेब एप्लीकेशन में आने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन हैं: कस्टम वेब एप्लीकेशन, वन क्लिक वर्डप्रेस या वन क्लिक PHP MyAdmin। हमारे लिए वन क्लिक वर्डप्रेस ही रेलेवेंट है। अब हम अपनी वेब एप्लीकेशन को नाम देंगे, मैं इसे BWWP कह देता हूँ। इसका डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे यूज़ माई ओन डोमेन / सब डोमेन की ऑप्शन के साथ, वो मैं रखता हूँ BWWP.xyz। वेब एप्लीकेशन ओनर में हम यूज़ एग्जिस्टिंग सिस्टम यूज़र भी कर सकते हैं, और जब हम एक सर्वर रन क्लाउड पे सेटअप करते हैं तो वो उसमें एक रन क्लाउड के नाम से ऑटोमेटिकली एक सिस्टम यूज़र बनाता है। लेकिन मेरी अक्सर कोशिश होती है कि मैं हर वेब एप्लीकेशन के लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम यूज़र क्रिएट करूं। तो यहाँ पे हम उसका यूज़र का नाम टाइप करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने हारून के नाम से ये यूज़र सेटअप करना चाहता हूँ तो मैं हारून टाइप करूँगा। आप वेब एप्लीकेशन का नाम भी यूज़ कर सकते हैं BWWP, तो यूज़र का नाम और एप्लीकेशन का नाम इस सिलसिले में सेम होगा। ये कोई लाजिम नहीं है, लेकिन ये करना एक अच्छी प्रैक्टिस मेरे लिए तब होती है अगर मैं एक सर्वर पे मुख्तलिफ साइट्स रन कर रहा हूँ, उसमें हर साइट को मैं उसी साइट के या उसी कंपनी के नाम के यूज़र नेम के साथ एसोसिएट करता हूँ। PHP वर्जन 7.4 ठीक है, वेब एप्लीकेशन स्टैक या नेटिव NGINX स्टैक ठीक है, इसके सिलसिले में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि अक्सर आपको कुछ शायद ट्यूटोरियल्स में एक HT एक्सेस फाइल के बारे में कुछ पता चले कि उसे एडिट करके उसमें कुछ ऐड करना है, तो नेटिव NGINX स्टैक फास्ट होता है, परफॉर्मेंस के लिए बेहतर होता है, लेकिन इसमें HT एक्सेस फाइल नहीं होती, वो अपाशी सर्वर वाले स्टैक में होती है। अपाशी एक मुख्तलिफ वेब सर्वर है, NGINX एक मुख्तलिफ वेब सर्वर है। अपाशी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था किसी ज़माने में, अब तो NGINX बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अपाशी का एक फाइल फॉर्मेट था .htaccess, जिसमें हम कुछ सर्वर के रूल्स डिफाइन कर सकते थे। NGINX में एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है, तो हम htaccess फाइल उसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरी तमाम साइट्स नेटिव NGINX के स्टैक पे चलती हैं और मुझे कभी htaccess फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे हम अपनी साइट को एक नाम देंगे, मैं इसका नाम रख लेता हूँ बिल्ड विद वर्डप्रेस या लेट्स बिल्ड विद वर्डप्रेस रखा जा सकता है। साइट का एडमिन यूज़र नेम वो यूज़र होगा जो वेबसाइट पे कंटेंट मैनेज करने के लिए या वेबसाइट पे डिज़ाइन सेटअप करने के लिए वर्डप्रेस का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। इसमें मैं अपना नाम ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। एडमिन पासवर्ड हम कुछ भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड यहाँ सेट कर दीजिए। एडमिन ईमेल आपकी ऐसी ईमेल होनी चाहिए जिस पे आप एक्चुअली ईमेल रिसीव कर सकें। डेटाबेस की इंफॉर्मेशन देना ऑप्शन है, अगर आप यहाँ इनमें से कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो रन क्लाउड ऑटोमेटिकली ये तमाम फील्ड्स जनरेट कर देगा। और वर्डप्रेस का टेबल प्रीफिक्स WP_ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। मेरी आदत है कि मैं इसे कुछ भी रैंडम कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर लेता हूँ, जो सिक्योरिटी के लिए WP_ यूज़ करने से कुछ बेहतर समझा जाता है। तो इस केस में मैं BW_ कर लेता हूँ। इसके बाद हम ऐड वेब एप्लीकेशन BWWP पे क्लिक करेंगे तो हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन सेटअप होने का काम शुरू हो जाएगा। और लीजिए, हमारी वर्डप्रेस एप्लीकेशन सेटअप हो चुकी है, अब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रन क्लाउड के साथ वर्डप्रेस इंस्टॉल करना इतना आसान था। अभी हम अगर अपनी वेबसाइट के एड्रेस को विज़िट करें BWWP.xyz पे, तो देखें हमें क्या मिलता है। और ये लीजिए वर्डप्रेस का एक डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हमारी डोमेन पे ऑलरेडी तैयार हो चुका है।
यहाँ पे मैं एक और काम करता चलूँ, क्योंकि आजकल सिक्योरिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा गूगल क्रोम भी ऐसी साइट्स पे जो SSL सर्टिफिकेट ना इस्तेमाल करती हूँ वहाँ नॉट सिक्योर दिखाता है, तो रन क्लाउड हमारे लिए SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना बहुत आसान बना देता है। उसके अलावा हम इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए www डोमेन भी सेटअप कर देते हैं। अभी अगर मैं www.bwwp.xyz पे जाऊँ तो वेबसाइट अनअवेलेबल आ रही है, क्योंकि ये डोमेन इस वेबसाइट के साथ, इस वेब एप्लीकेशन के साथ इस्तेमाल के लिए कॉन्फ़िगर नहीं हुई। इसका DNS सेटअप हो चुका है, यानी ये डोमेन इसी सर्वर पे पॉइंट कर रही है, लेकिन इस सर्वर को नहीं पता कि कोई अगर इस डोमेन के साथ आए तो उसे मैं क्या सर्व करूँ। वो सर्वर को तब पता चलेगा जब हम वो डोमेन भी इस वेब एप्लीकेशन के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस वेब एप्लीकेशन की डोमेन नेम की लिस्ट में आते हैं तो हम कोई भी नई डोमेन यहाँ अटैच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस केस में www.bwwp.xyz, और यहाँ पे आपको रन क्लाउड ये भी बता रहा है कि इस डोमेन को इस्तेमाल में लाने के लिए आपने जहाँ पे भी आपकी डोमेन का DNS सेटअप हुआ है वहाँ ए रिकॉर्ड ऐड करना है, जिसका कंटेंट www होना चाहिए। ए रिकॉर्ड ऐड करते हुए पूरी डोमेन ऐड करना ऑप्शनल होता है, सिर्फ पहला सब डोमेन वाला पार्ट ऐड करना ही काफ़ी होता है, और उसका आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, ताकि ये हम अपने DNS प्रोवाइडर में कॉन्फ़िगर कर लें। हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हम अटैच डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे और ये डोमेन नेम भी इस वेब एप्लीकेशन के साथ अटैच हो जाएगी। अब यहाँ डोमेन लिस्ट में ये दोनों डोमेन्स आ रही हैं, रूट डोमेन और www वाली सब डोमेन। अब जबकि दोनों डोमेन्स ऐड हो चुकी हैं तो हम SSL/TLS पे आते हैं, और अपनी साइट को सिक्योर करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना। हम वो सेटअप करते हैं, इसमें इनेबल HTTP एक्सेस को डिसेबल कर दें, ताकि कोई भी HTTPS के बग़ैर अब हमारी इस वेबसाइट को विज़िट ना कर सके। इनेबल HSTS को चेक कर लें, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका वेब ब्राउज़र डायरेक्टली अगर कोई HTTPS के बग़ैर विज़िट करे तो उसे HTTPS पे रीडायरेक्ट कर देता है, उन्हें सर्वर पे जाके रीडायरेक्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि परफॉर्मेंस के लिए कुछ हद तक बेहतर होता है। बाकी ऑप्शंस को एज़ इट इज़ रहने दें। लेट्स इनक्रिप्ट को सिलेक्ट करें। SSL प्रोटोकॉल आपकी जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है वही काफ़ी है। ऑथराइजेशन मेथड जो आपका डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है वही काफ़ी है। उसके बाद लेट्स इनक्रिप्ट एनवायरनमेंट लाइव कर लें और सबमिट को क्लिक करते हैं। इसमें उमूमन थोड़ी सी देर लगती है, जिसके बाद आपकी साइट का SSL सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। अब अगर हम साइट की समरी पे आके देखें और इस पेज को रिफ्रेश करें तो हमें यहाँ पे SSL प्रोवाइडर में लेट्स इनक्रिप्ट की ऑप्शन दिखाई दे रही है, और यहाँ हमें डोमेन नेम वेबसाइट नेम के साथ सिक्योर्ड लिखा आ रहा है। बैक टू वेब एप्स की लिस्ट पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे भी हमारी इस साइट का स्टेटस कनेक्शन इनक्रिप्टेड बाय लेट्स इनक्रिप्ट आ रहा है। इस साइट का स्टेटस कनेक्शन इनक्रिप्टेड बाय लेट्स इनक्रिप्ट आ रहा है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि इस साइट पे SSL सर्टिफिकेट कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर हम वेबसाइट को दोबारा से लोड करें, www.xyz पे आएं, तो हमारी साइट को सिक्योरली लोड होना चाहिए, और ये लॉक आइकन इस बात की निशानदेही करता है कि हमारी साइट पे SSL सर्टिफिकेट कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। और साथ में हम www वर्जन भी देख लेते हैं। अगर हम www.bwwp.xyz पे आएं तो ये भी मेन डोमेन पे रीडायरेक्ट कर देता है, और इस पे भी हमारा SSL सर्टिफिकेट कामयाबी से चल रहा है। तो ये था वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। अब अगले लेसन में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर कैसे करना है।